सोमवार को ओडिशा के डेंकनाल जिले में टू सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते वक्त ही क्रैश हो गया। इस हादसे में कैप्टन संजीव कुमार झा और ट्रेनी पायलट अनीस फातिमा की मौत हो गई। कैप्टन संजीव बिहार के रहने वाले थे जबकि फातिमा तमिलनाडु से थी। वहीं दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हालांकि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक लॉकडाउन में मिली छूट के तहत ये एयर स्ट्रिप 1 जून को ही ट्रेनिंग के लिए दोबारा खोली गई थी।